Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. If you are new to my channel, hi, my name is Bharti. I make videos on skincare, hair care, makeup, hauls and much more. आज की वीडियो होने वाली है अबाउट योर स्किन प्रेप बिफोर योर मेकअप. मैं आज कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रही हूँ कि अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगने वाला है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी लगने वाली है इवन विद द मेकअप. और अगर ये रेगुलर बेसिस पे आपने कर लिया तो आपके मेकअप में बहुत ज्यादा लाइन्स भी नहीं आएंगी, विच आई विल टेल इन द एंड ऑफ द वीडियो कि ऐसा क्यों होगा. तो वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने फेस पे जो लाइंस आती हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डबल क्लेंज आवर स्किन. मैंने पहले अपना फेस वॉश से वॉश कर लिया है, बट अगेन मुझे डबल क्लेंजिंग करनी है. मैं गार्नियर का मिसलर वाटर लूंगी और अपने फेस को दोबारा से एक क्लेंज करूंगी, क्योंकि कभी कभी जब हम फेस वॉश करते हैं ना उसके बाद भी कुछ डर्ट और इम्प्योरिटीज फेस पे रह जाती हैं जिसको हमें अच्छे से रिमूव करना है. सो दैट इज व्हाई ये गार्नियर का मैं मिसलर वाटर यूज कर रही हूँ विद द कॉटन पैड, और अच्छे से अपने फेस को मैं डबल क्लेंज करूंगी. नाउ आई हैव डबल क्लेंज माई स्किन. मेरी स्किन अब पूरी तरीके से क्लियर है. नाउ इट इज रेडी कि मैं अब इस पर अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा सकूं. गाइज, आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है, आपको दोनों ही केसेस में स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करनी है आपके मेकअप से पहले, क्योंकि स्किन प्रेप के बाद ही आपका जो मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस निकल के आएगा. राइट नाउ आई एम अप्लाइंग द टोनर एंड करंटली आई एम यूजिंग दिस फेस शॉप राइस सेरामाइड टोनर. मैं इसको हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दैट यू कैन अप्लाई इट विद योर फिंगर टिप्स ऑल्सो. एक ही बात मुझे खराब लगती है इस प्रोडक्ट की कि इसमें से प्रोडक्ट निकलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. एक नॉर्मल बॉटल दी हुई है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको उसमें प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा हसल लगता है. सो ये मैंने टोनर लगा लिया अपने फेस पे. अब मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूंगी पूरे फेस पे. ऑलवेज रिमेम्बर टू अप्लाई योर स्किन केयर ऑन योर नेक ऑल्सो. जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगा रहे हैं स्किन केयर का, उसको अपने नेक पे भी अप्लाई करें. सो नाउ आई एम डन विद द टोनर. टोनर के बाद यू कैन सी मेरे फेस पे एक सटल सी शाइन आ गई है विच आई एम लाइकिंग. मुझे काफी पसंद आ रहा है ये टोनर. बहुत ज्यादा ये जो जितने भी प्रोडक्ट है फेस शॉप के, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं गाइज. मुझे अराउंड 2 वीक्स हो गए इनको यूज करते हुए और मेरी स्किन में डेफिनेटली मुझे काफी चेंजेस दिखे हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज प्रोडक्ट. उसके बाद में ये एमल्सन है फेस शॉप का ही, अब मैं ये अप्लाई करूंगी. इसको अगेन इसको प्रोडक्ट निकालना इज अ हसल, तो बस वही एक प्रॉब्लम है. अदरवाइज मुझे तो प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे काफी सूट कर रहे हैं. मैं इसको अपने फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा रब करूंगी एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माय फेस. क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो मेरी स्किन सर्दियों में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है. गाइज, कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं अच्छे से टाइम लें, उस प्रोडक्ट को लगाएं, मसाज करें ऑन टू योर स्किन ताकि अच्छे से वो स्किन के अंदर आपका प्रोडक्ट चला जाए, तभी फायदा है. अदरवाइज आप मसाज नहीं करेंगे तो वो अच्छे से स्किन में नहीं जाएगा प्रोडक्ट. सो टेक योर टाइम एंड मसाज योर स्किन. नाउ आई विल अप्लाई माई मॉइस्चराइजर फ्रॉम द सेम ब्रांड फेस शॉप. ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है सर्दियों के लिए, काफी थिक है तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. ऑयली नहीं करता है स्किन को, बट येस एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर देता है. साथ ही साथ इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट लगती है इसको लगाने के बाद स्किन. कैन यू सी
मैं जो मेरा पहले फेस था और अभी का फेस है, अभी ही मुझे अपने फेस पे बहुत ज्यादा हाइड्रेशन फील हो रहा है, एक ग्लो फील हो रहा है। और ये जो ग्लो है ना, ये थ्रू आउट रहता है। अगर मैं ये सेम रूटीन करती हूँ तो ये ग्लो रहता है, क्योंकि मेरी स्किन में ना हाइड्रेशन की कमी है। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ तो कमी पूरी हो जाती है, और मेरी स्किन मुझे काफी ज्यादा हाइड्रेटेड, ग्लोइंग और हेल्दी फील होती है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट जस्ट बिफोर माय मेकअप। एक और चीज जो हमेशा हमें अप्लाई करनी ही चाहिए, एंड दैट इज आर सनस्क्रीन। आप ये स्टेप कभी मत भूलें। स्किन केयर में और स्किन प्रेप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इज टू अप्लाई योर सनस्क्रीन। अब देखिए, सनस्क्रीन आप दिन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करें, लेकिन सनस्क्रीन अगर आप घर में है ना तब भी अप्लाई करें, क्योंकि हमारे घर की लाइट्स जो होती है वो भी हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। सो यू डू अप्लाई सनस्क्रीन एट होम ऑल्सो, और एक अच्छा अमाउंट सनस्क्रीन का अप्लाई करें। मैंने काफी एक सनस्क्रीन आपको रेकमेंड की है, एक इनिसफ्री की सनस्क्रीन है। अगर आप ऑयली स्किन से हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन से हैं तो आप ये न्यूट्रोजिना ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आपकी स्किन जो है ऑयली है और आपको एक हसल फ्री सनस्क्रीन चाहिए रीअप्लाई करने के लिए, तो आप डर्माकोगिस्टिक सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी सनस्क्रीन इजिली जाके यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ऑलमोस्ट ऑल स्टेप्स आर डन। एक लास्ट स्टेप बचा है, एंड दैट इज टू अप्लाई दी लिप बाम। मैं लेनेज का लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। आप जब भी लिपस्टिक लगाते हैं उससे पहले अपने लिप्स को प्रेप करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिप्स को भी हाइड्रेशन मिलना चाहिए। सो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई दी लिप बाम, क्योंकि मोस्टली जनरली क्या होता है, हम लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक्स ही लगाते हैं आजकल। जो मैट लिपस्टिक होती है ना, उसकी वजह से जो हमारे लिप्स होते हैं अगर वो प्रॉपरली प्रेप नहीं होते, मॉइस्चराइज नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेकी सी वो लिपस्टिक लगती है और एकदम फिनिश नहीं आता है, अच्छी लुक नहीं आती है। इसीलिए आपके जो लिप्स होने चाहिए वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अभी कितनी मेरी स्किन और मेरे लिप्स कितने ज्यादा ग्लोइंग और शाइनी लग रहे हैं। दिस इज हाउ योर स्किन शुड लुक जस्ट बिफोर योर मेकअप। इसके बाद अब हम मेकअप अप्लाई करेंगे, एंड देन आई विल शो यू कि मेरा फाउंडेशन कैसा लग रहा है आफ्टर दिस स्किन रूटीन। सो गाइज, दिस इज हाउ माई स्किन लुकिंग आफ्टर प्रेपिंग इट अप। अभी मैंने सारा स्किन केयर जितना मुझे करना था मैंने कर लिया है। सो जस्ट वन स्टेप इज लेफ्ट, एंड दैट इज टू अप्लाई दी प्राइमर। आई एम यूजिंग नायका प्रेप मी अप प्राइमर, और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं। एज यू कैन सी, अभी तो स्किन प्रेप के बारे में इतने नहीं पता चल रहा है, बट मेरे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं। तो आई विल अप्लाई दिस जहां जहां मेरे ओपन पोर्स हैं वहां वहां मैं ये प्राइमर लगा लूंगी। टी जोन पे मेरे ज्यादा ओपन पोर्स हैं, इससे क्या होगा, मेरी स्किन थोड़ी सी स्मूथन अप हो जाएगी और मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा मेरी स्किन पर। या डन। सो नाउ आई विल अप्लाई द फाउंडेशन। मेक श्योर यू इवनली स्प्रेड योर फाउंडेशन ऑन योर फेस। धीरे धीरे बिल्डअप करें फाउंडेशन को, एंड डोंट फॉरगेट योर नेक। कभी अपनी नेक को ना भूलें व्हेन एवर यू आर डूइंग योर मेकअप। आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन। सो गाइज, आई एम डन विद माई फाउंडेशन। एज यू कैन सी, इवन आफ्टर द फाउंडेशन मेरे फेस पे एक सटल ग्लो है। मतलब अगर मैं अभी हाईलाइटर ना भी लगाऊं, देन ऑल्सो यू कैन सी अ शाइन इन माई स्किन। अंदर से ग्लो आ रहा है, एंड दैट शुड बी देयर इन योर मेकअप। अगर आप मेकअप कर रहे हैं, ये ग्लो आपके मेकअप में होना चाहिए, तभी आपकी स्किन लगेगी कि आपने बहुत अच्छे से प्रेप की है। कि अगर स्किन अच्छे से प्रेप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस और ग्लोइंग लगने वाला है, जस्ट लाइक दिस।
अब इसके बाद क्योंकि हमने इतना कर ही लिया है, सो व्हाई नॉट डू आर फुल फेस मेकअप. सो अभी आई स्टार्ट माई आई मेकअप जल्दी से, क्योंकि इसी वीडियो में करने वाले हैं. आई वॉन्ट टेक मच टाइम एंड आई विल शो यू. मैं एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ, ये वाला, और इसी को अपनी आई लिड पर लगाऊंगी. ये अप्लाई करने के बाद मैं डार्क ब्राउन शेड लूंगी और मैं उसको एज अ लाइनर अप्लाई कर लूंगी. सो आई विल टेक दिस डार्क ब्राउन शेड. मैंने डार्क ब्राउन शेड लगा लिया है. इसके बाद मैं ये वाला शिमर लूंगी और इसी को थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग? अभी यहाँ खत्म नहीं होता है. अभी मुझे यही डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी अंडर आई में लगाना है. नाउ आई विल अप्लाई दी मस्कारा. सो गाइज, माय आईज आर डन. My eyes are done. Now I will apply the blush. उससे पहले I'll take this contour from Sugar and I will apply it. After that, I'll take my blush and I will apply this. I haven't done my eyebrows, so I'll do that as well. So that I will take my highlighter and apply it on my high points. Now the last step is to apply the lipstick. I'm applying lipstick from Swiss Beauty and the shade is 415 Bare. So guys, this is how my makeup is looking. My skin is looking very healthy. और कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही थी, ज्यादा फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगने वाली है, बिलीव मी. एंड ऑल्सो आई वुड से वन थिंग, जितना कम हो सके उतना कम मेकअप प्रोडक्ट्स लगाएं, स्किन केयर अच्छे से करें अपना, सो दैट आपको मेकअप लगाने की कम जरूरत पड़े. उससे होगा क्या, देखिए अगर आपने स्किन केयर बहुत अच्छे से किया है, अंदर से ग्लो आ रहा है और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कम है. मेरे भी फिलहाल बहुत है बिकॉज ऑफ माई ब्रेकआउट्स, लेकिन मेरी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है. दैट आई एम वर्किंग ऑन, मेरे पहले थी बट आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन. अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ तो पिगमेंटेशन कम है. अब होता क्या है, अगर मान लीजिए पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर आपको कलर करेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर कंसील करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाना पड़ेगा. तो एक ही जगह पे कितने सारे प्रोडक्ट्स लग गए, उसके बाद क्या होता है, लाइन्स आने लगती है. वहां पे लाइन्स ना आए तो फिर आपको सेट करना पड़ेगा अगेन, फिर भी इवेंचुअली आपके लाइन्स आ ही जाती हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हमेशा बिफोर मेकअप एंड इवन विदाउट मेकअप, अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, योर स्किन इज गोना लुक सो ग्लोइंग एंड सो रेडियंट, बिलीव मी. तो अपनी स्किन का ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है गाइज, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज लाती रहूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.